इंदौर जिले के बेटमा में कुशवा समाज द्वारा लवकुश जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कुशवा मोहल्ला कचहरी घाटी से एक विशाल शोभा यात्रा सुबह 10 बजे बरसते पानी में शुरू हुई, जो नगर के विभिन्न मार्ग से होकर वापस कुशवा मोहल्ला स्थित कचहरी घाटी पर समाप्त हुई। यात्रा का नगर में विभिन्न संगठनों द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया। यात्रा में शामिल झांकी में लवकुश के रूप में आए बच्चे आकर्षण का केंद्र रहे। शोभा यात्रा में समाज जनों के साथ साथ नगर के कई गणमान्य नागरिक शामिल रहे। लवकुश भगवान राम तथा सीता के पुत्र थे, जिनका जन्म महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में हुआ था। लव व कुश ने राम के अश्व में घोड़े को पकड़कर राम को युद्ध के लिए चुनौती दे डाली थी। अयोध्या के सभी वीरों को छोटे से बालकों ने हराकर यह सिद्ध कर दिया था कि शक्ति का गुरुर खतरनाक होता है। लव के भाई होने के कारण कुश ने अपनी मां सीता को न्याय दिलाने के लिए अयोध्या राजा सह पिता से भरी सभा में संवाद किया और माँ सीता को पवित्र और सत्य साबित किया। माँ सीता ने अपने राज्य को कुश के हाथ में सौंप दिया और खुद धरती माँ के गर्भ में चली गई। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। ये जन्म उत्सव पर हम ये शोभा यात्रा है निकालते हैं और हम इस यात्रा में सभी पधारे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारा सहयोग दिया। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी लवकुश भगवान की शोभा यात्रा कुशवा मोहल्ला से निकाली गई। इसमें समाज और नगर बेटमा के सभी व्यक्ति और बच्चे आते हैं। इसके अंदर आसपास गांवों से भी आते हैं और लालछा डिक्ठार और आसपास के सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। पूरे नगर में यह यात्रा घूमती है, जिसमें हर जगह हर समुदाय के लोगों का स्वागत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।